यस, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 धारा 397 एवं 401 पुनरीक्षण विलंब की माफ़ी परिसीमा विधि पर सिद्धांत भारतीय दंड संहिता की धारा 323 427 452 के अधीन दोष सिद्धि एवं दंडादेश के विरुद्ध पुनरीक्षण चूंकि दोष सिद्धि एवं दंडादेश के विरुद्ध अपील निरस्त अंततः 15 मास से अधिक के विलंब के पश्चात पुनरीक्षण दाखिल विलंब की माफ़ी के लिए यह अभिवाक कि अपलार्थीगण अपनी अपनी आजीविका अर्जित करने के लिए दिल्ली में कार्यरत और इसमें उन्हें बिहार में अपने घर वापस आने और पुनरीक्षण दाखिल करने के कदम उठाने में कुछ समय लगा था। उच्च न्यायालय द्वारा तो परिसीमा के वर्जन को लागू करते हुए पूर्णतः यांत्रिक ढंग से पुनरीक्षण अपलार्थीगण की परिस्थितियों के प्रति कोई महत्व दिए बिना निरस्त यह ऐसा उपयुक्त मामला जिसमें अपलार्थीगण द्वारा पुनरीक्षण दाखिल करने में हुए विलंब को माफ़ कर देना चाहिए था और उनके मामले की गुणावगुणों पर परीक्षा करनी चाहिए थी। उच्च न्यायालय का आदेश अपास्त पुनरीक्षण उसकी मूल फाइल में प्रत्यवर्तित उच्च न्यायालय शीघ्रतिशीघ्र उसका विनिश्चय करेगा। स्टॉप पैरा। परिसीमा विधि वास्तव में कानूनी पुस्तिका में एक महत्वपूर्ण विधि है। यह उन विवादों या शिकायतों को शांत करने की ठोस लोक नीति का अग्रसारण है जिसके समाधान और प्रतितोष का अनुरोध विहित समय के अंतर्गत नहीं किया जा सकता है। परिसीमा विधि किसी का युक्तियुक्त समय के पश्चात अंतिम रूप से निपटारा करने की अनुज्ञा देने के लिए आश्रित है, ना कि प्रत्येक को अनिश्चितता की स्थिति में बने रहने देने के लिए। यह किसी व्यक्ति को ऐसा दावा करने की अनुमति नहीं देती जो अत्यधिक पुराना या मृत प्राय है और किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा से अवर न्यायालय के आदेश में सुधार करने के लिए या शिकायतों के प्रतितोष के लिए न्यायिक प्रणाली के उच्चतर प्रक्रम पर आवेदन करने की अनुज्ञा नहीं देती। जैसे भी हो, दोष सिद्धि और कारावास का दंड अधिरोपित करने के मामले में न्यायालय को किसी अन्य प्रकार के मामले की अपेक्षा परिसीमा विधि को लागू करने में अत्यधिक उदारता एवं लचीलापन दर्शित करना चाहिए। कारावास का दंड व्यक्ति की दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित होता है, जो व्यक्ति को उपलब्ध अत्यधिक महत्वपूर्ण अधिकारों में से एक है और इसलिए न्यायालय को गुणावगुणों पर या परिसीमा के आधारों पर अथवा किसी अन्य समान तकनीक पर
मामले के विचारण को बंद कर देने में अनिच्छुक होना चाहिए। स्टॉप पैरा। हस्तगत मामले पर आते हुए यह सुज्ञात तथ्य है कि भारी संख्या में लोग बिहार से दिल्ली आजीविका अर्जित करने के लिए अपने अपने परिवार और घर छोड़कर आते हैं। उनमें से अधिक संख्या में लोग असंगठित क्षेत्रों में कार्य करते हैं। यदि एक बार वे दैनिक मजदूरी अर्जित करने के भंवर जाल में पड़ जाते हैं तो उनके लिए जीवन में सभी अन्य महत्वपूर्ण चीज़ें जैसे परिवार में विवाह, चिकित्सीय उपचार और दांडिक कार्यवाही में स्वयं की प्रतिरक्षा करना तक भी पृष्ठभूमि में चली जाती है। इसलिए उच्च न्यायालय परिसीमा के वर्जन को पूर्णतः यांत्रिक रूप से लागू करके और अपलार्थी गण की परिस्थितियों को कोई महत्व दिए बिना ही अपलार्थी के पुनरीक्षण को निरस्त कर दिया। स्टॉप।